अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल आपकी भावना का हमेशा सम्मान करता है और आप और हम सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने जिन्होंने चुन के भेजा है वो उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से सदन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए कि उसमें जनता को राहत मिले, उनकी समस्या का निदान हो। मैं सोचता हूँ हम लोगों ने प्रयत्न किया इसको करने का, लेकिन आज जिस प्रकार की घटना आपने स्वयं ने भी देखी होगी, मैं सोचता हूँ कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष अगर अपनी बात रख रहा है और मंत्री स्तर के लोग और वो भी संसदीय कार्य मंत्री भी अगर उसमें सम्मिलित हो जाए तो उस सदन को आप कैसे चला पाओगे और आप हमसे उम्मीद कैसे करोगे कि हम उसमें सहयोग करेंगे। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा दुखद घटना आज जो कुछ भी देखी है और एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी बात रख रहा है, मैं सोचता हूँ मेरी भावना उनकी बातों से सहमति नहीं हो सकती। मैं इसको मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप में से कोई भी दो लोग अपनी स्लिप लिख कर दे दें कि अध्यक्ष ने जो बातें कही उनका जवाब देने के लिए हमको भी 10 मिनट का समय आसन से दिया जाए, ये स्लिप यहाँ पहुँचा दो और आप उसका जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं थी। पर एक बैठे दूसरा खड़ा हो, दूसरा बैठे तीसरा खड़ा हो और आसन से बराबर टोंका टोंकी होने के बाद भी उसकी अवहेलना हो और आसन जिससे बिल्कुल अपने आप को असहाय की स्थिति में महसूस करे, इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सदन चले, ये सदन चले जिम्मेदारी सरकार की ज़्यादा है हमसे ज़्यादा। अगर वो इसी बात पे अड़े रहते हैं ना तो पूरे 3 साल भी निकल जाए ना तो ये सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या समझते हो? आपको इतना भी अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार का व्यवहार आज आपने किया और आपके इतने ऊँचे स्तर के लोग मंत्री जाकर के उसमें सम्मिलित हो जाए और एक अध्यक्ष अपनी अगर उसने कोई बात गलत की तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ, आपको अधिकार है उस बात को आपको काउंटर करने की, लेकिन उसके बीच में चौंका चौंकी करके इस प्रकार का व्यवहार करना मैं सोचता हूँ अशोभनीय है। आज जो भी मंत्री और विशेष करके संसदीय मंत्री ने क्षमा मांगे हाउस से, इस प्रकार चलेगा क्या? हम तो हर बात को आपको एडजस्ट करते हैं, हर बात आपकी मानते हैं, हम चाहते हैं कि सदन चले। कारण क्या, जो जनता ने हमको यहाँ चुन के भेजा, ये 25 या 30 दिन चलता है और उसने हमसे उम्मीद की होगी कि हम यहाँ आकर के कुछ उसके हक के लिए बात करें और उस पर आप इस प्रकार का कुठाराघात करो, ये तो संभव नहीं। मैं आसन से विनम्र प्रार्थना करता हूँ आप इसकी स्थायी व्यवस्था करें, बाकी ये कोई हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, इस हाउस चले ना चले। मैं इतना दम रखता हूँ और मेरा दल इतना दम रखता है कि एक दिन नहीं चलने दूंगा हाउस, ये गारंटी करता हूँ। अगर हो तो आ जाओ मैदान में।